News 18, India. और अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की राजनीति की। कांग्रेस नेता कमलनाथ की नाराजगी और भारतीय जनता पार्टी में जाने की अटकलों के बीच दिग्विजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलों को सीधे तौर पर खारिज कर दिया। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं पर ईडी, आईटी और सीबीआई का दबाव डाला जा रहा है, कमलनाथ पर भी यही दबाव डाला जा रहा है, लेकिन कमलनाथ का चरित्र दबाव में आने वाला नहीं है। तो एक तरफ कमलनाथ की नाराजगी साफ तौर पर, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के बड़े नेता साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये महज एक अफवाह है। मेरी कमलनाथ जी से चर्चा हुई है, लगातार चर्चा उनसे हो रही है, हमारे कांग्रेस के नेतृत्व के भी उनसे चर्चा हो रही है और कमलनाथ जी जैसा व्यक्ति जिन्होंने की शुरुआत कांग्रेस से की और जिन्हें हम सब इंदिरा जी का तीसरा सुपुत्र मानते थे और उन्होंने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है, कांग्रेस के स्तंभ रहे हैं, कौन सा पद उन्हें नहीं मिला, केंद्र में मंत्रिमंडल, एआईसीसी में महामंत्री, प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, सारे पद उनको मिले हैं। और मुझे नहीं लगता कि वे पार्टी छोड़ेंगे। कैलाश विजयवर्गीय से न्यूज 18 इंडिया ने बातचीत की तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि जिससे ऐसा लग रहा है कि शायद कमलनाथ बीजेपी की ओर ही बढ़ रहे हैं और वो दिग्विजय सिंह को भी जवाब दे रहे हैं और कह रहे हैं धुआं भी वहीं उठता है जहां आग होती है। हमारे साथ कैलाश विजयवर्गीय, उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से दिग्विजय सिंह का कहना है कि ईडी का डर जो है वो नेताओं पे दिखाया जा रहा है, कांग्रेस नेताओं पे नहीं, तो कमलनाथ डर रहे और वो क्यों डर रहा है, अगर ऐसा है तो कोई ईडी का डर नहीं, उनके नेता के प्रति कार्यकर्ताओं का विश्वास खत्म हो गया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में लोग आ रहे हैं और मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास है। सर, अगर हम बात करें सर, अगर कमलनाथ अगर पार्टी में आते हैं तो सर उनका स्वागत करेंगे सर आप? देखिए, अभी इस पे कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, पर यदि कहीं धुआं निकल रहा है तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ तो आग होगी ही नीचे। ठीक है, बहुत धन्यवाद। कांचन अप्पू पाठक के साथ विनित कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। और इसी बीच सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर बहुत ज्यादा मान मनोबल के मूड में नहीं है और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कमलनाथ से ज्यादा खुश भी नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस के सूत्रों ने यह बताया है कि पार्टी की तरफ से कमलनाथ को मध्य प्रदेश में बतौर अध्यक्ष खुली स्वतंत्रता दी गई थी और कांग्रेस ने उन्हें मुख्यमंत्री भी बनाया, बावजूद इसके बीजेपी में जाने की खबरों पर अब कमलनाथ की तरफ से इनकार न किए जाने पर कांग्रेस बेहद नाराज है। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से मौजूदा वक्त में कमलनाथ या उनके बेटे नकुलनाथ को मनाने की कोई गंभीर कोशिश नहीं की जा रही है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर कमलनाथ के मौजूदा रुख को दबाव बनाने की राजनीति के तौर पर देखा जा रहा है। यानी कि अब एक बात साफ हो चुकी है कि शीर्ष नेतृत्व ने अब पूरी तरह से कमलनाथ पर ही छोड़ दिया है कि वो कांग्रेस में बने रहते हैं या फिर जाना चाहते हैं। इन सब अटकलों के बीच में कमलनाथ एक बार फिर से साफ कर रहे हैं कि उनकी किसी भी पार्टी के साथ बातचीत नहीं चल रही है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसी कोई बात होगी तो वो जरूर बताएंगे, इनकार नहीं किया। तो देखिए, इनकार न करना निश्चित तौर पर इशारा इसी तरफ कर रहा है जैसा कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि आग लगी है तभी तो धुआं उठ रहा है। क्या है कमलनाथ की प्लानिंग, क्या कमलनाथ का हाथ बीजेपी के साथ है, क्योंकि वो इनकार भी नहीं कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कुछ होगा तो बताएंगे जरूर। उधर कांग्रेस मनाने के मूड में नहीं है। सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ बीजेपी के संपर्क में हैं। सूत्रों का ये दावा है कि कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने पर अभी निर्णायक सहमति नहीं बन पाई है, लेकिन सूत्र ये भी बता रहे हैं कि कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ बीजेपी में जल्द शामिल हो सकते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 इंडिया पर आपको बता रहे हैं, जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से ये कि नकुलनाथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। हालांकि ये भी हो सकता है कि कमलनाथ बीजेपी में ना जाए, लेकिन अगर नकुलनाथ भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हैं तो क्या गिफ्ट के तौर पर छिंदवाड़ा सीट से ही नकुलनाथ चुनाव लड़ेंगे?
अकेले कमलनाथ नाराज नहीं है बल्कि उनके खेमे के जितने नेता हैं वो भी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। उनकी नाराजगी सामने आने लगी है। कमलनाथ के बेहद करीबी माने जाते हैं दीपक सक्सेना खुलकर कह रहे हैं जिस तरह कमलनाथ को उनके पद से हटाया गया और सोनिया गांधी से बातचीत होने के बाद भी उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा गया उससे कमलनाथ के समर्थकों को खासा ठेस पहुंची है। कमलनाथ जी की उपेक्षा चुनाव के टाइम से की जा रही है। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि भूपेश बघेल चुनाव हार जाएंगे, कल्पना भी नहीं कर सकते थे। चाहे राहुल जी की बात हो या कांग्रेस पार्टी की हो या पब्लिक की बात हो, तो बात आती है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की। छत्तीसगढ़ हम चुनाव हारे जहाँ कल्पना नहीं की, राजस्थान हम लोग चुनाव हारे, लेकिन कमलनाथ जी को ही नकारा क्यों कहा जा रहा है? मध्य प्रदेश भी हारा, उसमें सारा दोष कमलनाथ जी के ऊपर देखे। कमलनाथ जी को जिस ढंग से पद से हटाया गया और राज्यसभा में सोनिया जी से बात होने के बाद वंचित किया गया, इससे लोगों को ठेस लगी हुई है। वहीं दूसरी तरफ वाराणसी पहुंचे कांग्रेस के दिग्गज नेता जयराम रमेश ने कमलनाथ के सवाल पर कन्नी काट ली। जब उनसे कमलनाथ की नाराजगी पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा वो विश्वनाथ की बात करने आए हैं, कमलनाथ की नहीं। क्या कमलनाथ जी भारतीय जनता पार्टी से बातचीत? नहीं, मैं सिर्फ काशी विश्वनाथ की बात करता हूँ, कमलनाथ की नहीं। क्या कमलनाथ जी भारतीय जनता पार्टी से बातचीत? नहीं, मैं सिर्फ काशी विश्वनाथ की बात करता हूं, कमलनाथ की नहीं। इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा कहा जाता था कमलनाथ को, लेकिन आखिर क्या हुआ कि कमलनाथ इतने नाराज हो गए? इस बड़े सवाल की गूंज मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली में और देश भर में सुनाई दे रही है और इसकी वजह भी हम आपको समझाते हैं, कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखते हैं। अटकलें, कांग्रेस छोड़ेंगे कमलनाथ, वजह विधानसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी अलग थलग हो गई, दो हिस्सों में बट गई थी, जीतू पटवारी की अलग और इधर कमलनाथ की अलग। उधर दिग्विजय सिंह पार्टी को अलग तरीके से ले रहे हैं, तो ये एक खास वजह रही। कमलनाथ को एमपी कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटा दिया गया क्योंकि ना तो लोकसभा में जीत मिली ना ही विधानसभा में, तो उनको हटा दिया गया। सबसे बड़ी वजह यही कि राज्यसभा में जाने की आखिरी उम्मीद भी टूट गई कमलनाथ की, जिसके बाद कमलनाथ ने अपना हाथ अब अलग कर लिया है कांग्रेस से और संभवतः वो अपना हाथ अब बीजेपी के हाथ में देने जा रहे हैं। और एक और बड़ी वजह, उनके बेटे नकुलनाथ राजनीति में भविष्य में भी संभावनाएं बनी रहे, बहुत महत्वपूर्ण होता है, और न केवल अपनी अपने लोगों की भी। इसीलिए देखिए कमलनाथ, क्योंकि अब बहुत आगे जा चुके हैं राजनीति में, बहुत लंबा सफर राजनीति का तय कर चुके हैं, 70-80 के दशक से वो राजनीति कर रहे हैं, अब उनको